और अब देखो और अच्छा लग रहा है यहाँ पर, लाइट कितनी बढ़िया चल रही है दोस्तों यहाँ पर देखो, क्योंकि शाम का और ज़्यादा वक्त हो गया ना। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस पर मिलेंगी, आपको मेन्यू का एक चार्ट नहीं मिलेगा, आपको स्कैन ही करके इसको लेना है। और बहुत बड़ा लिखा है वहाँ पर 18 डग आउट दोस्तों, और अच्छा था पहले यहाँ पर भी बैठने का था। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। की हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज हम आए हैं हाईवे पर, एक और रेस्टोरेंट है 18 डॉग आउट। तो आज हम बाहर रेस्टोरेंट में आए दोस्तों, और वो रेस्टोरेंट है दोस्तों सैदपुर चुनीलाल पर, जो कि हाईवे पर पड़ता है। और हाईवे पर देख लो आप, तो हम लोग हाईवे पर हैं इस समय, और गाड़ी वगैरह बहुत सारी चल रही हैं दोस्तों। और ये है 18 डॉग आउट। अभी चल के अंदर से आप लोगों को दिखाऊंगा मैं ये रेस्टोरेंट कैसा है। तो आज शाम को ना मूड बन गया कि आज चलते हैं फिर से हाईवे पर। और यहाँ पर देखो बहुत सारे पेड़ लगे, इस पर लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है, और बहुत सारे लोग आए हुए भी हैं, और ये भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर जो भी है रेस्टोरेंट के। और यहाँ पर डेकोरेशन बहुत अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखो मना है जो आप लोग देख सकते हो, आउटसाइड भी रहे इज बहुत सारी चीज़ें। देखो ये आसिफ भाई यहाँ पर खड़ा है, अभी अंदर आया, और यहाँ पर भी डेकोरेशन बहुत अच्छे से की हुई है देख रहे हो आप लोग दोस्तों। और यहाँ पर ये सब अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चलता हूँ और अंदर के लिए दोस्तों आप लोगों को अंदर से भी दिखाता हूँ यहाँ पर कि कैसा बना हुआ दोस्तों, और कैसे बैठन का है, और क्या क्या खाने के लिए मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। और बहुत अच्छा, पिछली बार आया था तो दोस्तों मैं खा कर गया था, उससे क्या कहते हैं यार, चिली चिकन खा कर गया था, बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर आया था। तो फिलहाल अभी तो नहीं लूँगा मैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा ये। और यहाँ पर देखो ये किचन हैगा, और ये वॉशरूम वगैरह यहाँ पर, और ये इतना बड़ा है यहाँ पर, ये सारे मतलब बैठने के लिए एक हट बना रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये भाई से मिला था मैं, तो अभी अंदर का भाई नज़ारा अंदर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नितिन है सर। तो भाई का नाम नितिन है, भाई से मैंने बोला तो भाई बोले चलो ठीक है आप दिखाता हूँ। कितने लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं अपने यहाँ पर? 20। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो डेकोरेशन भी अच्छी है, पिछली बार थोड़ी सी मुझे लग रहा अच्छी थी, अब थोड़ी सी मतलब मुझे लग रहा चेंजिंग कर दिया इसमें है ना। तो पिछली बार जब मैं आया था तो इसमें थोड़ा सा अलग था, अब अलग है। नो स्मोकिंग है यहाँ पर बिल्कुल, और नो स्मोकिंग बहुत अच्छी है, और ड्रिंकिंग भी नहीं कर सकते आप दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल। और आपको मेन्यू देखने के लिए आपको स्कैन करना पड़ेगा दोस्तों इसको, और मैं भी स्कैन करके आपको दिखाऊंगा कि कितने की चीज़ क्या मिलेगी वो आपको दिखाता हूं। और ये मतलब पूरा हो गया बड़ा वाला मतलब है, और इसके छोटे छोटे भी हैं जो लोग 4 लोग या 10 लोग बैठ सकते हैं। कितने किस में ये कितनी इसमें कितने की है? अच्छा ये 12 लोग की है, फुल AC विंडो, और ये 12 लोग इस पर आप लोग लंच या डिनर या पार्टी, मतलब ये ऐसा होता ना कि फैमिली वगैरह आते हैं, फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि यार एक ही केबिन बुक करें जिसमें हट में मतलब बैठ जाए, कि सभी लोग आ जाएं, ऐसा ना हो कि यार 4 इधर बैठे 5 उधर बैठे, तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो। और चलता हूँ अभी एक और जगह दिखा रहे हैं भाई, और यहाँ पर भी देखो पेड़ बहुत सारे लगे हैं, बहुत अच्छा और नेचुरल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये भी एक चिका और है, यहाँ पर कितने बैठेंगे? 4 इधर। हाँ बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, और कूलर भी चल रहा है यहाँ पर बहुत सारे, मतलब बना रखा है अच्छा है। और यहाँ पर आइए और टेस्ट भी खाने का, पहले मैं गया था खाकर दाल मखनी और चिली चिकन, बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो अभी तो नहीं, और शाम का वक्त भी हो गया दोस्तों, 7 बज गए हैं, हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पर भी सारे देखो ऐसी है, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये है दोस्तों, और 18 डॉग आउट बहुत अच्छा है। तो फिलहाल अभी आ गए बाहर के लिए, देख लो ये फ़ोटो में मस्त रहता है, जब भी आता है मेरे साथ तो फ़ोटो चाहिए इसको भाई, बिना फ़ोटो से कुछ नहीं है इसके लिए, बहुत मस्त रहा। और यहाँ पर देखो एक चीज़ दिखाऊँ, देख रहे हो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में भिंडी भी हो रही है, और देख रहे हो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि पानी, जैसे पानी लगाते पेड़ों के लिए तो उसकी लाइट लगा रखी है, ऐसा लग रहा है कि पानी गिर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हो, और बहुत बड़ा लिखा है वहाँ पर 18 डग आउट दोस्तों, और अच्छा था पहले यहाँ पर भी बैठने का था, बहुत अच्छा ऊपर एक प्लाई वगैरह बना रखा था, बहुत अच्छे से बैठ के आप आराम से खाना यहाँ पर भी खा सकते हो, और वहाँ पर भी बहुत अच्छे से बनाई थी ऊपर चीड़ की लकड़ी की, तो वहाँ पर भी हटा दिया है दोस्तों। और ये गेट से मतलब यहाँ से निकलने के लिए अच्छा है, और लाइट वगैरह भी बना रखी है बहुत अच्छे से। और दोस्तों शाम का वक्त है ना, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। तो अभी मेरे भाई लोग बैठ गए अंदर जाकर, तो अभी अंदर चलते हैं देखो। तो नाजिम भाई नो स्मोक नो स्मोक। तो फाइनली भी दोस्तों हम लोग बैठ गए और देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा, बट कुछ नहीं ज़्यादा भाई, चाय ऑर्डर कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं। चाय
चाय या कुछ और मतलब जो अच्छा लगे। और दोस्तों यहाँ पर मेन्यू आपको मिलेगा नहीं, आपको इसको स्कैन करना है, चाहे आप गूगल पे करें या लेंस पे करें, जैसे भी मैं करता हूँ अपने में। ये लेंस है दोस्तों, यहाँ पर करता हूँ स्कैन, देखो अभी यहाँ पर ये देखो स्कैन करने के बाद में दोस्तों, क्लिक करने के बाद ये आ गया मेन्यू। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो मिनरल वाटर है, 20 रुपये सोडा है, 25 रुपये कोल्ड ड्रिंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेज भी है नॉन वेज भी है दोस्तों। यहाँ पर चिकन नूडल्स है 240 रुपये, चिकन फ्राई है राइस 240 रुपये, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस पर मिलेंगी। आपको मेन्यू का एक चार्ट नहीं मिलेगा, आपको स्कैन ही करके इसको लेना है और स्कैन करके ही आपको सारी चीज़ देखने की मिलेगी। और ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा लगता है कि अपने फ़ोन में ही देखना है, जो ऑर्डर करना है फिर उसको बुलाते हैं कि आप बेटर बुलाओ, वो आएगा और स्कैन करके फिर आपको जो भी अच्छा लगे मंगा लीजिए। प्लेन नान है, रुमाली रोटी है, बहुत सारी चीज़ें होती है और ये चीज़ हर चीज़ रेस्टोरेंट में होती है, नॉन वेज वेज सारी चीज़ें मिलती हैं आजकल, और चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हम सब देखो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मंगाएं, अभी कुछ पता चला नहीं है। और ये तो पूछो ही मती तो फिलहाल हाँ, तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने मंगा लिया कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक आ गई, देख लो इतना बड़ा गिलास, और ये प्लास्टिक का है दोस्तों, इसमें प्लास्टिक में बड़ा, अभी चिल्ड होगी नहीं है पता नहीं, तेरी मर्जी है, दोनों पी ले एक प्लेट। चल रहे हैं दोस्तों अब लोग हम बाहर के लिए, हम लोगों ने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी है यार, तो अभी चल रहे हैं, देख लो एंजॉय कर रहा है। और अब देखो और अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लाइट कितनी बढ़िया चल रही है दोस्तों यहाँ पर देखो, क्योंकि शाम का अब और ज़्यादा वक्त हो गया ना, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और नज़ारा भी यहाँ का देखो कितना अच्छा है ये, और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी अच्छा खासा मतलब सही है यार, और बैठने के लिए, और यहाँ पर कपल और फैमिली भी सब लोग आ सकते हैं और दोस्त वगैरह भी आ सकते हैं, बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ का नज़ारा दोस्तों। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, बाइक उठाते हैं दोस्तों, और देखो वहाँ पर दोनों मेरा भाई और आशिक वहाँ पर हैं, चलें आ जाओ। और फिलहाल दोस्तों हम लोगों को टाइम भी हो गया अच्छा खासा, हम लोग चलते हैं, हम फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय, लव यू ऑल।